तारीख को क्या है? 20 तारीख को 20 तारीख है। अय्यर 20 तारीख को मेरा बर्थडे है। तुम्हारे बर्थडे के दिन ही मेरा चाइनीज साइंटिस्ट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, मेरे बर्थडे के दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, ओके? I really hate you, अय्यर। But I love you, बबीता। तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने बहुत बड़े होटल में एक शानदार पार्टी रखी। तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से सरप्राइज होगा। बबीता ओण का पैर ये पार्टी वैक्य। सूरत देवता, आप तो आजकल दिखोगे नहीं। कोई बात नहीं, आप दिखो ना दिखो, मैं तो आपको रोज दिखूंगा। मतलब मैं तो आपकी रोज पूजा करूंगा ही करूंगा। ओम मित्राय नमो, ओम रवय नमो, सूर्याय नमो, ओम भानवे नमो, खगाय नमो, पूषणे नमो, ओम हिरण गर्भाय नमो, मरीचो आदि सवित्र नरकाय नमो, भास्कराय नमो। हेलो माँ। हाँ, मेरे बर्थडे के दिन ना अय्यर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, तो तुम आ जाओ ना प्लीज। क्या तुम भी बिजी हो? नहीं नहीं प्लीज, तुम्हें आशो ना की कुछ हो कि बापी से देखो जा रहा है। प्लीज मामा आ जाओ ना, पर मैं अकेली हूँ ना यहाँ पे। ओके मम्मी, जल्दी ब्रेड बटर दो, मुझे स्कूल में लेट हो जाएगा। आई बेटा, बापूजी थेपला। अरे बहू, पहले इसे ब्रेड बटर दे, उसे स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ। अरे गया, हाँ। जरा रुमाल देना तो जरा। हाँ हाँ, अभी लाई। दूध पी। हाँ मेहता सर, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ निकल मत जाना, मैं आता हूँ जरा, एक अर्जेंट काम है। ये लीजिए आपका रुमाल। हाँ एक मिनट दया। हाँ ये रुमाल है। नहीं तो अभी इसको मैं रुमाल समझ के जेब में रख देता तो। तो क्या हुआ, रास्ते में भूख लगती तो खाने में काम आता ना। अरे मम्मी जल्दी ब्रेड बटर दो ना। हाँ बेटा लाइए ना नीचे। अरे मुझे नहीं, टप्पू को। हाँ हाँ सॉरी। अरे रुमाल। हाँ हाँ, हाँ। जल्दी नहीं है लेकिन सबका हो जाए तो मुझे भी थेपला दे देना। हाँ हाँ रुमाल रुमाल। हाँ अभी लाइए, मैं आके बताता हूँ आपको। ठीक है रुमाल। बहु थेपला। हाँ अभी लाई बापू जी। मम्मी जल्दी और एक ब्रेड ले। हाँ हाँ। अरे टपुड़ा, ये क्या पाँव का लूचा खा रहा है, उससे अच्छा थेपला खा। बहु थेपला। हाँ हाँ लाई बापू जी। अरे दया, वो पैकेट भूल गया, चला देना तो। हाँ हाँ भूल गई। ये भाई ये क्या एक एक चीज मांग रहा है, सब कुछ साथ में नहीं मांग सकता। पर्स। हाँ सॉरी बापूजी, वो जल्दी जल्दी मैं भूल गया। लीजिए। हाँ लाओ लाओ, थैंक यू। बहू थेपला तैयार है ना? हाँ बापूजी। तो देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी जल्दी ब्रेड बटर। हाँ बेटा जल्दी। नहीं सारे। अरे वो, अरे अब क्या है भाई, वो बोलना भूल गया। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। टप्पू बेटा जल्दी खा लो, स्कूल बस आ जाएगी बेटा। आई आई। अरे ये घर। हाँ खुल गई। अरे अब्दुल एक मिनट आना। हाँ बेटा भाई बोलिए। अब्दुल मेरा एक काम करेगा प्लीज। हाँ बोलिए। अरे मैंने सुबह दूध लाया था लेकिन पता नहीं वो कैसे फट गया, तो मेरे लिए दूध लेके आएगा? हाँ क्यों नहीं। एक मिनट एक मिनट, अभी 20 वाला खत्म हो गया होगा तो 21.5 वाला लेके आना। एक लीटर करेक्ट। पैसा है तेरे पास या? हाँ है लेकिन। शाबाश। रेडी, फ्रेश कट सैलड और ताजा ताजा स्क्वीज करेले का जूस तैयार। अरे इतना
इतना ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? इसमें लिखा है कि एक पति ने अपनी पत्नी के द्वारा रोज रोज डाइट फूड दिए जाने से परेशान होकर बीवी को तलाक दे दिया। क्या बात कर रहे हो? अरे आपने ये खबर पढ़ी कि नहीं? कौन सी? ये देखो, पति के मोटापे से परेशान पत्नी ने पति को पीट पीट के घर से निकाल दिया। कहाँ है? कोई तो खबर नहीं है ऐसी। तो आपकी खबर कहाँ है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी तो मजाक कर रही थी अंजलि, असल में मैं इस डाइट से परेशान हो गया हूँ। मीठा खाने का इतना मन करता है। केक खाओगे? केक? केक और पूछ-पूछ? मेरा मतलब है नेकी और पूछ-पूछ। कहाँ है केक? जल्दी लाओ। 20 तारीख को मिलेगी। क्यों, 20 तारीख को मेरे डाइटिंग का लास्ट डे है? अरे बबीता जी का बर्थडे है। ओहो, बर्थडे केक। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि 20 को बर्थडे है बबीता जी का? एक्चुअली गोकुलधाम सोसाइटी के सारे फैमिली मेंबर्स के बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी अंजलि मेहता कैलेंडर पे लिख के रखती है। वेरी नाइस अंजलि। अगर बबीता जी के बर्थडे की बात जेठालाल को पता चली तो वो तो बरसाती मेंढक की तरह उछलता फिरेगा। लगता है जेठालाल आ गया। ओहो, आइए हुजूर, क्या हाल है? बस। ओहो, अंजलि भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस जी रहे आपके राज में। अरे भाई जेठालाल, कभी कभी इस नाचीज से भी पूछ लो कि हम कैसे हैं। देखो मजा साहब, आज मैं आपको परिणित जीवन का एक सत्य बता ही देता हूँ कि अगर पत्नी ठीक ठाक हो तो समझ लेना का पति भी ठीक ठाक ही होगा। और आपकी तो क्या बात करनी मेहता साहब, ये देखो है सलाद, जूस। अरे भाई ये सब किस्मत वाले को ही मिलता है। किस्मत वालों को मिलता है ना? तो फिर आज थोड़ी सी किस्मत तुम्हें भी ट्रांसफर कर दी जाए जेठालाल। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि भाई, एक आध ग्लास जूस वूस पिलाओ जेठालाल को, थोड़ा मजा आ जाए। अरे क्यों नहीं, अभी लाई। नहीं नहीं अंजलि भाभी, अरे सुनिए। अरे क्या सुनिए, जूस पियो भाई। अरे भाई अच्छा और बताओ, कैसे आना हो, क्या काम है? अरे हाँ मेहता साहब, आपसे एक लेटर लिखवाने का है। लव लेटर लिखवाना है? अरे क्या भाई, इस उम्र में क्या अभी लव लेटर। टाइम किधर है अपने पास? ये देखो एक कंपनी है क्या टीवी बनाती है। अच्छा। तो उसने क्या मुझे टीवी का माल भेजा, अभी माल सब बेकार निकला, अभी माल मैंने उसको वापस भेज दिया, लेकिन अभी वो पैसा रिफंड नहीं दे रहा है। दो तीन बार फोन किया, बात की, लेकिन कुछ ढंग से जवाब नहीं दे रहे वो लोग। तो मैं ये सोच रहा हूँ जरा अंग्रेजी में ऐसे इंग्लिश में कड़क ऐसे भाषा में जरा लेटर लिख के दो, जरा भेजू, पता चले उसको। ये देखो ये कंपनी का नाम है, उसका एड्रेस बेड्रेस है, और पीछे सर ये सब विगत है, और कितना पैसा, क्या कौन सी तारीख को क्या हो सब वो सब। ओके ओके ओके, मैं लिख के रखूंगा, शाम को दुकान से लौटते वक्त तुम ले लेना। अरे चलेगा, थैंक यू, थैंक यू। बाय, फ्रेश जूस। अरे वाह, अरे वाह, ये किसका, कच्ची केरी का है? करेले का। हाँ हाँ जेठालाल, पियो पियो, करेले का जूस है, बहुत स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है जेठालाल। किस्मत वाला भी है ये जूस, पियो पियो। नहीं, करेला तो, करेला मतलब करेला। हाँ वही। अरे ये आपको पता नहीं होगा मेहता साहब, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बचपन में बहुत पीता था मैं करेला का जूस। देखा, अभी देखो ये जो रुष्ट पुरुष्ट हूँ वो करेला की वजह से हूँ। लेकिन क्या ना अंजलि भाभी, अभी मैं घर से चाय पी के बस निकला ही हूँ, क्या जूस भी पीऊंगा, पेट में चाय जूस दोनों के बीच में मारा मारी हो जाएगी ना। तो काम करो, आप ये जूस है ना फ्रिज में रख दो, शाम को दुकान से आते वक्त मैं पीता जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, देखो फ्रेश जूस का मजा ही अलग होता है खुद जेठालाल, क्या रख दो। नहीं नहीं ऐसा, एक काम करो अंजलि, पॉलिथिन में डाल के जूस दे दो, दुकान पे जाके पी लेना, तब तक चाय भी हजम हो जाएगी। वो बात बराबर है आपकी, लेकिन अच्छा याद है वो अभी भाई सरकार ने बंद किया है ना भाई, वो प्लास्टिक की थैली है। कोई देख लेगा पुलिस वुलिस तो मैं तबलीग में आ जाऊंगा भाई, क्या जूस के साथ जेल में जाना पड़ेगा। मेरा यकीन करो भाभी, मैं शाम को दुकान से लौटते वक्त तभी यह जूस पीता जाऊंगा। हाँ पक्का ना? पक्का पक्का, ठीक है, संभाल के रखती हूँ।
इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है जेठालाल। हाँ तुम अंजलि को तो बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ जूस तो पीना पड़ेगा। क्या मेहताजा भाई यार, करेले का जूस भाई। चलो छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो खुद दुखी हो गया हूँ करेले के जूस से। अच्छा वैसे हाँ, बबीता जी के बारे में क्या सोचा तुमने? मतलब? अरे मतलब मैं बबीता जी के बर्थडे की बात कर रहा हूँ। बबीता जी का बर्थडे आज? बबीता जी! अरे जेठालाल सुनो तो, अरे पूरी बात तो सुनो, आज नहीं है बर्थडे। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अरे बबीता जी के बर्थडे में ऐसा खाली हाथ नहीं जा सकता, क्या लेके जाऊं? अरे अब्दुल, अब्दुल। हाँ बोलिए जरा भाई। अरे भाई इधर आजू बाजू में भूखा किधर मिलेगा? आपकी दुकान में मिल जाएगा ना। 100 पेज की चाहिए या 200 पेज की? 100 पेज, 200 पेज, क्या बोल रहा है तू? आपको भूख चाहिए ना? अरे भूख नहीं भाई, भूख क्या, वो फूलों का गुलदस्ता क्या बोलते हैं उसको, बुके ही बोलते हैं। हाँ उसे बुके ही बोलते हैं। वो गंगा माली की दुकान में मिल जाएगा आपको। वो किधर है? ये यहाँ से सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तो राइट मारना, 2 बिल्डिंग आएगी उसके बाद लेफ्ट मारना, बगीचा आएगा वहाँ से राइट मारना। एक मिनट, तुझे मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। तो एक काम करना भाई, ये तो एक बढ़िया वाला लेके आना बुके, मेरे लिए जा। ठीक है। अरे भाई इधर किधर जा रहे? भिड़े के घर पे जा रहा हूँ, दूध देना है ना। अरे वो दूध मैं दूध दूंगा यार भिड़े को, तू जरा फूल लेकर ना, अर्जेंट है ये दूध भी, बहुत अर्जेंट है। अब तू इधर निकल, मैं उधर निकलता हूँ। घर पे दूध देने जा रहा हूँ, मतलब वो अब्दुल देने जा रहा था तो उसका कुछ अर्जेंट काम आ गया। हाँ। तो मैं दुकान जा रहा था तो मिला, तो बोला कि जटा भाई थोड़ी मदद करोगे, ये दूध जरा भिड़े भाई के घर पे दे दोगे? मैं बोला कोई बात नहीं भाई, है आखिर पड़ोसी पड़ोसों के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। अरे वाह, आपके मन में ये भाव जगा, वो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो सदियों से कहते हैं ना लोग कि पड़ोसी धर्म तो निभाना ही चाहिए, और उससे आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी, उनकी भी आने वाली पीढ़ी को, सबको सुख शांति मिलती है। और वो कहते हैं ना कि... आज बस इतना ही, बाकी का प्रवचन कल। अरे माधवी चाय कब मिलेगी? दूध आने के बाद। अभी तक दूध नहीं आया, अभी तक अब्दुल दूध लेकर नहीं आया, मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। बाबा हा? बारिश शुरू हो गई है तो मुझे रेनकोट ला के दो ना, वो बारबी वाला। क्यों, तुम्हारे पास रेनकोट है ना? लेकिन बाबा वो तो पिछले साल के भी पिछले साल का है, उसका तो कलर भी उड़ गया है। सोनू तुम्हें कलर दिखाना है या बारिश से बचना है? बारिश से बचना है। बस तो फिर फालतू का खर्चा करना ही नहीं है ना अपने को। सोनू मैं तुझे ला कर दूंगी, चल स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चल जा जल्दी। किसी को मेरी बात सुननी ही नहीं है। आप दूध लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे हाँ मैंने अब्दुल को उसी काम के लिए भेजा था, मुझे वो कुछ एडमिशन का काम करना था, अभी तक लेकर नहीं आया वो। माधवी बाबे दूध। अरे आप कैसे लेकर आ गए? वो दूध की डेयरी खोल ली। हाँ बरोबर है। अरे माधवी देखो, इसको कहते हैं व्यापारी लोग। क्या है,
अभी बारिश के सीजन में फ्रिज और टीवी थोड़ी ना बिकते है, लेकिन दूध का धंधा कैसा, पूरा 12 महीने चलता है। बराबर है, वेरी गुड जेठालाल। अच्छा अच्छा, डाइवर्सिफाइंग द बिजनेस। काय बोलता है तुम्ही? ना बोलू द्या त्यांना, मी काय यांचा काय मनात घेत नाही भाभी, जाऊ द्या। ओ अब्दुली ओ देने आ रहा था, लेकिन उसको रास्ते में क्या अचानक कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, तो मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में मिला, वो बोला कि जेठा भाई आप जरा ये देख के आएंगे। वो बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाना भाई मैं देख के आता हूँ, तो मैं आ गया देने को। शिका जरा शिका। हाँ लो लो उसकी क्लास लो। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए तो, चाय पीकर तो जाइए। नहीं अभी नहीं भाभी, अभी दुकान जाने का बहुत लेट हो रहा है, चलो। अरे हाँ जेठालाल, वो मैंने अब्दुल से कहा था कि अगर 20 रुपए लीटर वाला दूध ना हो तो 21.5 रुपए लीटर वाला दूध लेके आए, तो इसके कितने पैसे हुए? भाई मैं इधर खाली देने आया हूँ, ये हिसाब किताब तू अब्दुल के साथ समझ लेना, मेरे साथ क्या भाई है। ठीक है तो फिर जेठालाल थैंक यू। बोलना अब्दुल को, इसको सिखाएंगे ना आप, तो फुटपट्टी के साथ सिखाना, मारना दो तीन ऐसे। चल चाह दे लो। ये बारिश का भी ना भरोसा नहीं, कभी आती है कभी चली जाती है। अरे जेठा भाई भिड़े भाई के घर से आए नहीं अब तक? हाँ चाय पीने बैठ गए होंगे। जेठा भाई पूछा नहीं मैंने, वो कहीं दया भाभी जी का बर्थडे तो नहीं है आज? हो सकता है, मैं भी हो सकता है। ओ यार हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बात करना। मुझे क्या मालूम। अरे तो किसको मालूम है? ला भाई ला ला ला। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये 200 रुपए। हाँ 300 का है। हाँ अरे वाह। और जेठा बोला तुमने बताया नहीं आज दया भाभी जी का बर्थडे है। देखा ना नहीं है। तो फिर ये भूखे किसके लिए? बर्थडे है दोस्त का। ओह और किधर गैराज जा रहे? हाँ गैराज जा रहा हूँ। ओके चलो, तो चलो ठीक है जेठा ब्रा। ओके मिलते हैं अब्दुल ब्रा। हाँ मिलते हैं मिलते हैं, चलो। वाह वाह वाह, थैंक यू अब्दुल भाई, तूने बहुत बड़ा काम किया है, तू आज ये ओ लेके आया। ये गुलदस्ता किधर से लेके आया? बंद मत है, बंद मत करना, और तेरा दुकान ऐसे ही पड़ा खुला, निकल निकल। मुझे भूल ही गया था। बबीता जी, बबीता जी, जन्मदिन मुबारक हो। जिंदगी में बगैर सुने हम निर्णय ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति होती है, इसलिए जिंदगी में सुनना बहुत जरूरी है, सुनेंगे तो सही निर्णय को चुनेंगे, इसलिए सुनिए, खूब सुनिए और उसके बाद कोई निर्णय कीजिए, वरना जेठालाल की तरह ऐसी हास्यास्पद स्थिति में फंस जाएंगे के रोके नहीं रुकेगी हंसी, आपकी भी और मेरी भी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।